सितंबर को दिग्विजय सिंह के लिए बिग डे यानी एक बड़ा दिन है। दिग्विजय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत के आउट होने के बाद दिग्गी ही रेस में सबसे आगे हैं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में थे सबसे आगे। कल तक कांग्रेस को था पूरा भरोसा, लेकिन ऐन वक्त पर बदल गया नैरेटिव। अब दिग्गी बनेंगे जादूगर। राजस्थान में चार दिन से चल रहे विवाद के बाद अशोक गहलोत को लेकर हाईकमान का परसेप्शन काफी कुछ बदल गया है। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वहीं सीएम बने रहने का फैसला भी सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है। गहलोत ने राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर लिखित माफी भी मांगी है। मैं शेयर लीडर हूं, वहां पर मुख्यमंत्री हूं, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया। कांड या कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ। सबकी भावना है, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस के जादूगर यानी गहलोत अध्यक्ष पद की रेस में शामिल नहीं है, तो फिर उनकी जगह ये स्पेस कौन भरेगा? सबसे ज्यादा चर्चा दो नामों को लेकर हो रही है। एक नाम है दिग्विजय सिंह, दूसरा नाम है शशि थरूर का। दिग्विजय सिंह ने अपना नामांकन फॉर्म भी ले लिया है। वहीं 30 सितंबर को शशि थरूर भी नामांकन दाखिल करेंगे। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर जारी हलचल के बीच दिग्विजय सिंह ने सांसद शशि थरूर से मुलाकात भी की है। खुद शशि थरूर ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, कोई भी जीते, जीत कांग्रेस की होगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो दिग्विजय सिंह के चांस अधिक लग रहे हैं। वो गांधी परिवार के सबसे खास भी हैं और इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रणनीतिकार भी हैं। दिग्विजय को करीब से जानने वाले कहते हैं कि उनके सीएम बनने की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। राजीव गांधी ने एक दिन अचानक दिग्विजय को बुलाया और बताया कि उन्हें मध्य प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने का मन है, और बाद में दिग्विजय सिंह इन बड़े पदों से होते हुए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचे। अब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बीच दिग्विजय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर रहे हैं। अगर दिग्विजय सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वो इस कुर्सी पर बैठने वाले मध्य प्रदेश के दूसरे नेता होंगे। इससे पहले भोपाल के शंकर दयाल शर्मा 1972 से 1974 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। दिग्विजय सिंह के नामांकन को लेकर बीजेपी ने उनका अभिनंदन किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित उमा भारती ने उन्हें शुभकामनाएं दी, तो मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अध्यक्ष पद पर नामांकन को लेकर चुटकी ली है। अरे भाई, अच्छी बात है, दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो हमारे लिए तो खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, तो दिग्विजय सिंह बने, अच्छी बात है। मैं तो उनका स्वागत करता हूं और बहुत अभिनंदन करता हूं। नहीं, आप भी शुभचिंतक हैं, आप क्या मानती हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं? मैं तो किसी की भी अशुभ चिंतक नहीं हूं। नहीं, आप भी शुभचिंतक हैं, आप क्या मानती हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं? मैं तो किसी की भी अशुभ चिंतक नहीं हूं। आप भी शुभचिंतक हैं, आप क्या मानती हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं? मैं तो किसी की भी अशुभ चिंतक नहीं। इसका बंटाधार तो हुआ ही है कि यही है, और अब देश में भी जितनी कांग्रेस बची है उसका भी बंटाधार होना तय है।